हाय दिस इज दुना जोगेश्वर राव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट श्रीरामपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। और आज अपन पढ़ते हैं फर्म की इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म या कोई इंडस्ट्री का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? द वर्ड इक्विलिब्रियम एज बीन टेकन फ्रॉम साइंस, एक और साइंस से ली गई। इट इज स्टेट दैट नो चेंज, क्या होती है यहाँ पे, नो चेंज वेयर अपोजिट फोर्स बिकम इक्वल, जब हमको कोई भी अपोजिट फोर्स हमको बढ़ाया जाती है, मतलब कम की जाती है जनरली ऐसे, जैसे कोई भी अदर रिसोर्सेज को आपको कम ज़्यादा करने से उसकी कोई भी चेंज नहीं होती है, इसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की चेंज नहीं होती है, ठीक है। द कस्टमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज इनकम। जब यदि किसी कस्टमर के बारे में बात करते हैं, ये कस्टमर तभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा जब वो उसकी उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ में, किसी प्रोडक्ट्स में से उसको मिल जाए। सिमिलरली फॉर देन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के लिए जैसे वो कस्टमर की बात करते हैं तो उसके सेटिस्फेक्शन की जरूरी है, एज ए इंडस्ट्री या एज ए फर्म के बारे में बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो tendency for a new firm, there is no tendency for a new firm to enter or exist. Now the question arises under the condition such equilibrium situations will be achieved. ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, जब हमको इक्विलिब्रियम फर्म के बारे में बात करते हैं, जैसे हमको प्रोफेसर वाटसन के हिसाब से ए फर्म इज ए यूनिट एंगेज फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल एट ए प्रॉफिट, किस चीज़ के लिए, वो प्रॉफिट कमाने के लिए, और विद द ऑब्जेक्टिव फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट वो अचीव कर लेगा योर वो पा लेगा तो उसको क्यों स्थिति को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ओ फर्म। ए फर्म इज इक्विलिब्रियम व्हेन सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट, जो एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट में जो आउटपुट जो बनाए जा रहे हैं वो आउटपुट से वो सेटिस्फाइड है, मतलब वर्तमान कंडीशन के हिसाब से कोई भी फर्म जितने भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यदि उसमें से उस कंपनी को लगता है कि यार मेरे ये जो प्रोडक्शन जो हो रहा है ये मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने से तो भी मेरे लॉस है या इससे कम करने से भी तो भी मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, तब उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। द फर्म विल द सिचुएशन प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द ब्रिंग द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट और स्मॉलेस्ट लॉस, जहाँ पर हमको ग्रेटेस्ट प्रॉफिट और स्मॉलेस्ट लॉस होता है। व्हेन द सिचुएशन इज रीच द फर्म सेड टू बी इक्विलिब्रियम, वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म बोलते हैं। वी से द फर्म इज इक्विलिब्रियम, जब उनको प्रॉफिट मैक्सिमम होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ वो फर्म बोली जाती है। मतलब जैसे मतलब एक ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे ना फर्म को ना कोई भी फर्म को ना प्रॉफिट होगा, मतलब उसको यूनिट को जितने भी जो प्रोडक्शन करंट में लेवल जिस लेवल पे वो काम कर रहा है यदि उससे अच्छे उससे ज़्यादा लेवल करने या कम लेवल करने से प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं हो तो प्रॉफिट में कोई इंक्रीज नहीं होती तो उसे अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ओ फर्म, ठीक है। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है, ए फर्म इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन वो सेटिस्फाइड करते हैं। द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज इट प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम और मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, जो मार्जिनल कॉस्ट यदि मार्जिनल रेवेन्यू से इक्वल रहेगा तब इसको ये जो स्थिति को क्या बोलते हैं हमको इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। देन वेर एमसी मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कॉस्ट फ्रॉम कट एमआर फ्रॉम बिलो, जब मार्जिनल कॉस्ट एमआर से हमको नीचे से जब गुजरती है नीचे से जाती है तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये यदि कोई भी तीन कंडीशन यदि फॉलो करते हैं तो वो फॉर्म को बोली जाती है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो जब उनको कंडीशन की जब वो जो ऊपर की जो अपन तीन कंडीशन पढ़े वो तीन कंडीशन के अनुसार
फॉर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हमको दो अप्रोच का अपन निकाले, जो अप्रोच अपन लगाते हैं, एक होगी हमको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरे क्या होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो टोटल रेवेन्यू और या टोटल कॉस्ट अप्रोच, ए फॉर्म सेड टू बी इक्विबल व्हेन द मैक्सिमम इट्स प्रॉफिट। तो फॉर्म जब भी फॉर्म इक्विलिब्रियम तभी कहलाएगा जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा रहे। तो इट इज़ द पॉइंट वेट इट इज़ नो टेंडेंसी आइदर इंक्रीज और कॉन्टेंट इट्स आउटपुट। नो प्रॉफिट आर नो नाउ प्रॉफिट आर डिफरेंट बिटवीन द प्रॉफिट आर डिफरेंट बिटवीन द टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। सो इन द ऑर्डर ऑफ द इक्विलिब्रियम, सो इन द ऑर्डर ऑफ द इक्विलिब्रियम, जब उनको जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के जो बीच का जो डिफरेंस यदि ज़्यादा है तो उसे अपन कहते हैं प्रॉफिट। जब उनको रेवेन्यू ज़्यादा है और अपने कॉस्ट कम है तो क्या ऑब्वियसली वो क्या कहलाएंगे, प्रॉफिट कहलाएंगे। ठीक है, द फर्म विल बी अटेम्प्ट मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। जब हमको फॉर्म जो मैक्सिमम डिफरेंस पाई जाती है किसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, डिट इज क्लियर फ्रॉम दैट दिस फिगर द लार्जेस्ट प्रॉफिट फॉर द फॉर्म कुड मेक इट टू बी अर्न, इसको अर्न करने के लिए व्हेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर। जब हमको वर्टिकली जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, फिगर में क्या बोला गया है, द एक्स एक्सिस क्या होता है हमको ये होता है हमको आउटपुट है, और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है हमको कॉस्ट है, प्राइस एंड कॉस्ट है। जो टीआर जो है जैसे जो बीच वाला जो रेखा दी गई यहाँ पे, तो उस टीआर को क्या बोलते हैं, टीआर को ये रेखा ये उधर पे टोटल रेवेन्यू जो हमको 45 डिग्री में हिसाब से स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, और द प्राइस कम्पिट द फिक्स सिचुएशन इन द अंडर परफेक्ट, जब को अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ये जो आपको जो डायग्राम दी गई या जो फिगर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या था हमको जो फॉर्म की जो इक्विलिब्रियम किसके हमको अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब हमको कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देगा, जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होते हैं जब को वहाँ पे क्या होती है इतनी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अपने हिसाब से हमको लाभ नहीं कमा सकते, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसी कारण से ये जो टीआर जो होता है टोटल रेवेन्यू क्या होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहता है, एक स्ट्रेट लाइन पे रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको टीसी भी दे रखा है टीसी। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट, देखो हमको आपको पता है जब भी हमको कोई भी प्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जब हमको स्टार्टिंग में क्या होता है उसके कॉस्ट क्या होते हैं उनको हाई होते हैं, जैसे जैसे अपन आउटपुट अपन बढ़ाते हैं, जैसे आउटपुट हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो कॉस्ट क्या होता है कि धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और कुछ समय तक इंक्रीज कम रहते रहेगा, एंड फाइनली वो क्या जाएगा फिर भी वो कॉस्ट जो होता है रेवेन्यू से वो फिर से वो क्या जाएगा इंक्रीज होगा। ठीक है, हमको जब स्टार्टिंग लेवल में क्या होते हैं जो टोटल कॉस्ट क्या होते हैं रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, और कुछ मतलब जैसे कुछ प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के बाद वो टोटल रेवेन्यू जो टोटल कॉस्ट जो होता है टोटल रेवेन्यू से कम हो जाएगा, फर्दर कुछ और फिर भी हमको कुछ इंक्रीज करने के बाद वो क्या होते हैं कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो होगा टोटल रेवेन्यू से वो क्या हो जाएगा एक लिमिट के बाद वो क्या हो जाएगा फिर से वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे M1 और B जो है ये जो पॉइंट जो है B जहाँ पे प्रोडक्शन लेवल जो है M1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक इक्विलिब्रियम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पे ये जो और TC और TR टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के जो कर्व जो होते हैं दोनों कर्व क्या हो रहा है यहाँ पे पॉइंट आउट होते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसे सेम हमको ये जो पॉइंट नंबर जो टी जो है ये टी वाला पॉइंट में भी क्या हो जाएगा दोनों TC और TR कर्व क्या हो रहा है एक दूसरे से क्या हुआ है क्रॉस हुआ है, और इसी को भी क्या बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो कर्व के हिसाब से ये जो TR और ये जो TC ये दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस जो है ये पी और एन, तो ये जो पी एन जो है ये जो पी पॉइंट से जो एन पॉइंट जो है ये क्या हो रहा है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन TC एंड TR। ठीक है, मतलब इसी कारण से ये जो M जो है यहाँ पे M वाला जो मतलब इस प्रोडक्शन में इस लाइन मतलब यहाँ पे N में जहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है तो M लेवल के जो प्रोडक्शन पे फॉर्म को क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, और इस मैक्सिमम प्रॉफिट को ही इस मैक्सिमम प्रॉफिट जो अर्न करने को ये जो पॉइंट जो होते हैं जो प्रोडक्शन जो M जो होता है तो मतलब PM जो होता है तो इसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को
फॉर्म, ठीक है। दूसरा एज जैसे अपन बात करते हैं, ठीक है, तो एक मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा का अप्रोच क्या होता है उनको, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में कहा था, तो ये कौन है, और जॉन रॉबिन्सन, और रॉबिन्सन यूज द टूल फॉर जॉन रॉबिन्सन ने हमने उसको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच दिया है टू डेमोस्ट्रेट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, टू डेमोस्ट्रेट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, ठीक है। According to the method, the profit of the firm can be estimated by calculating the marginal revenue and marginal cost. किससे, marginal revenue और marginal cost से, marginal cost के दोनों के बीच का different level of output क्या, marginal cost और marginal cost और revenue से वो आपको find out किया। तो marginal revenue is the different met to the टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू जो होता है टोटल रेवेन्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक, क्योंकि जैसे मार्जिन टोटल रेवेन्यू मतलब को जो जितने भी जो रेवेन्यू हो रहे टोटल को रेवेन्यू बोलेंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जब पर प्रोडक्शन जो हमको एक्स्ट्रा एक यूनिट हमको एक्स्ट्रा पे अपने को जितने भी जो हमको रेवेन्यू होती है एक यूनिट हमको एक्स्ट्रा सेल करने से जितने भी रेवेन्यू होते हैं उसे अपन कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एज इट इज सेम हमको जो मार्जिनल कॉस्ट भी होते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट जैसे हमको एक जो कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है पर एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से जो एक फर्म को जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो एडॉप्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगती है तो उसे वो क्या बोलते हैं हमको मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी फर्म यहाँ पे अपन डायग्राम में चले जाते हैं, अंडर ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के हिसाब से जब भी ए आर यहाँ पे एम आर और ए आर और एम आर दोनों क्या होते हैं उनको इक्वल होते हैं, इक्की दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे जो एम आर या जो एम आर एम आर जो पी वन और पी टू जो है जो पी वाला जो रेखा जो है ये क्या होता है उनको स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्योंकि हमको परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। हमको कॉस्ट भी सेम रहेगा, हमको रेवेन्यू सेम रहेगा, हमको सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा जो एम आर जो रेखा बनते हैं एम आर का जो कर्व होते हैं वो क्या होता है हमको स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्स के हिसाब से। और जो एम सी कर्व जो होता है एम सी कर्व को जो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो स्टार्टिंग लेवल में आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो भी कॉस्ट क्या होता है स्टार्टिंग में क्या होता है हमको आय रहती है, जैसे हमको स्टार्टिंग में क्या होता है उनके ज़्यादा रहते हैं हमको एम आर से, जैसे हमको लेवल ऊपर बढ़ाते हैं वो क्या हो जाएगी फिर से वो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और कुछ लेवल के बाद फिर से वो क्या हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से वो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो है ई क्यू और ई टू ई वन और ई टू, ठीक है, ये जो हमको क्वांटिटी जब को जो क्यू वन क्वांटिटी पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर्म पे क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब यहाँ पे एम एम सी इक्वल टू क्या हो रहा है एम आर, एम आर इक्वल टू क्या हो रहा है एम सी हो रहा है। तो एम आर इक्वल टू एम सी में यहाँ पे क्या हो रहा है जब हमको इसके एम आर इक्वल टू एम सी के पहले यदि हमको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कॉस्ट ज़्यादा है और हमको रेवेन्यू कम है, जब कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो अपन यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम ला सकते हैं क्या, ये क्या हमको देखो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एम सी और एम आर दो एम सी क्या होता है हमको एम आर से क्या हो रहा है कम हो रहे हैं, जब एम सी जो है एम आर से ज़्यादा है, जब एम सी एम आर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट अपन जो चलते हैं जैसे ई टू में, तो ई टू में क्या हो रहा है ई टू में पहले क्या था जो एम सी जो है एम सी वाला जो रहे एम सी जो है एम आर से क्या है कम है, ठीक है, एम सी जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू से कम है। तो मतलब यहाँ पे जैसे ई टू पॉइंट के पहले जो प्रॉफिट जो मतलब ई टू पॉइंट के पहले जो प्रॉफिट था और ई टू पॉइंट के बाद जो इसके बाद क्या हो रहा है एम सी और एम आर से ज़्यादा हो रहा है तो जिस कारण से लॉस हो रहा है। तो ये जो हमको ई टू पॉइंट जो हो रहा है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फॉर्म को क्या हो रहा है आपको इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं, और ई वन पॉइंट में इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि हमको ई वन के पहले हमको लॉस हो रहा है ई वन के बाद क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब वो प्रोडक्शन फर्दर वो कर सकते हैं, राइट, ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।